इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पत्ती विश्लेषण क्या है, सेब के बगीचों में पत्ती विश्लेषण के लिए नमूना कब लिया जाता है, इसके फायदे क्या हैं और किसान पत्ती विश्लेषण से किस तरह से अच्छी जानकारी प्राप्त करके अपनी खेती को लाभदायक, गुणवत्ता वाली और भविष्य के लिए सस्टेनेबल बना सकता है। नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर ब्रजेश कमल आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम आपको लीफ एनालिसिस यानी पत्ता विश्लेषण जो विधि है उसके लिए किस तरह से नमूने एकत्र किए जाते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि एक वैज्ञानिक तरीके से नमूना लेना किस तरह से संभव है। किसान साथियों, मैं अभी एक हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड में हूँ और ये हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड M9 पे है और ये 4 साल का वृक्ष है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पत्ता विश्लेषण क्यों आवश्यक है। आप अगर ध्यान देंगे तो ये अगर आप देखेंगे, ये पेड़ है और इस पेड़ पे आप देख रहे हैं टहनियाँ हैं, पेड़ बढ़ रहा है और इसके ऊपर कुछ फल हैं। आपको ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी भोजन सैप के माध्यम से पौधे को मिलता है, पौधा उस भोजन को अपनी वृद्धि के लिए, विकास के लिए, टहनियाँ बनाने के लिए और फलों को पोषण देने के लिए इस्तेमाल करता है। आपको ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि पोषण पर्याप्त है तो आपकी वृद्धि भी पर्याप्त होगी, विकास भी पर्याप्त होगा और जो फल है वो भी अच्छी गुणवत्ता के होंगे और पैदावार भी भरपूर होगी। परंतु यदि किसी भी कारणवश, सूखे के कारण, भोजन की कमी के कारण, खादों की कमी के कारण या और परिस्थितियों के कारण जैसे बीमारियां या कीटों के प्रकोप के कारण यदि सैप यानी जो उसको पोषण मिल रहा है पौधे को उसमें कमी आती है तो वो कमी कहीं ना कहीं पौधे की वृद्धि को प्रभावित करती है, कहीं ना कहीं क्वालिटी को प्रभावित करती है। इसलिए किसी भी समय पर यदि आपको ये आंकलन करना है कि क्या आपके पौधे में किसी पोषक तत्व की जो मात्रा है वो पर्याप्त है या कम, तो उसके लिए सबसे बढ़िया विकल्प लीफ एनालिसिस या पत्ता विश्लेषण है। पत्ता विश्लेषण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सेब जैसे पौधे जो सर्दियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं उनके लिए पूरी सर्दी के लिए रिजर्व फूड, जिसको हम बोलते हैं कि जो पोषण वो मिट्टी से लेता है उसको अपने पास कितना बचाकर रखता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सामान्यतः होता क्या है कि जब पौधा अपने विकास के दौर में होता है उस दौर में पौधा अपने आप जो मिट्टी से पोषण लेता है उसमें से काफ़ी बड़ा भाग वो फलों के ऊपर यानी फलों के अंदर पहुँचा देता है और वो फलों की गुणवत्ता और पैदावार के लिए बहुत आवश्यक होता है। यदि किसी कारणवश मिट्टी में या पौधे को जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है वो कम हो तो गुणवत्ता तो खराब होती ही होती है, लेकिन पौधे के पास जो सर्दियों के लिए रिजर्व्स जो चाहिए होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पौधे के पास फल तुड़ान के बाद उसके पास पर्याप्त मात्रा में रिजर्व्स रहें, उसके पास वो जो पोषण है उतनी मात्रा में रहे ताकि वो अगले साल के लिए अच्छे फूल फल दे सकें। इसके लिए भी ये आंकना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसके पास किसी भी समय जब वो ग्रोथ में है तो उसके पास पोषण का लेवल कितना है। हाँ किसान साथियों, एक महत्वपूर्ण चीज़ अब ये आती है कि जब भी आपने पत्ता विश्लेषण के लिए नमूना लेना होता है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपने एक वैरायटी का ही नमूना लेना होता है, तो ये ध्यान रखें कि यदि वो रॉयल है तो रॉयल का नमूना होगा, अगर गोल्डन है तो गोल्डन का नमूना होगा, या कोई गाला वैरायटी है तो गाला का ही नमूना होगा। नंबर दो, उसके बाद आपने ये देखना है कि उस वैरायटी के जो भी आप पौधे चुनेंगे वो स्वस्थ होने चाहिए, तो केवल नमूना स्वस्थ पौधों से ही लेंगे। हाँ, यदि आपको लगता है कि किसी भूभाग में आपके बगीचे में 50% या 40% ऐसे पौधे हैं जिसमें बीमारियां हैं, उसकी ग्रोथ कम है, तो उनका अलग से नमूना लिया जा सकता है, पर सामान्यतः पत्ता विश्लेषण के लिए हम जो नमूना लेते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ पेड़ों से लेते हैं। तो तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है आयु। यदि आपके बाग बगीचे में 2 या 3 तरह के पौधे हैं जिनकी आयु में फ़र्क है तो लगभग हम नमूना उन्हीं पौधों से लेते हैं जो लगभग 1 आयु के होते हैं, तो आयु का भी बहुत ध्यान रखना होता है। और नंबर 4 पर महत्वपूर्ण है कि आप जो नमूना लेंगे वो करंट ईयर ग्रोथ से ही लेंगे। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि मान लीजिए आपने जैसी हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड है
इस हाइडेंसी ऑर्चर्ड से आपने नमूना लेना है पत्ता विश्लेषण के लिए, तो आप कौन सी टहनी से नमूना लेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो हम नमूना लेते हैं वो करंट ईयर ग्रोथ यानी इसी साल की टहनी से लेते हैं। जो देखिए ये पिछले साल की टहनी है, इसके बाद यहाँ सर्दियों में कट लगा था, अब इसके बाद ये जो ग्रोथ आई है लगभग 1.5 फुट, इससे ही हम नमूना लेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किन टहनियों से नमूना लेना है। तो इस पेड़ में जितनी भी करंट ईयर टहनियाँ हैं, मेरा हाथ जहाँ से जहाँ तक जाता है वेस्ट के लेवल से लेकर और जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है वहाँ तक हम नमूना ले सकते हैं। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप किसी भी टहनी से नमूना न लें जिसपे फल हो। अब जो नमूना है वो किस स्टेज पे लेना है, देखिए इस बगीचे में लगभग जो सेब है वो अखरोट के दाने के बराबर या इससे बड़ा हो चुका है, तो ये एक उपयुक्त समय है जब आप नमूना ले सकते हैं। यदि किसी पोषक तत्व की कमी आती है तो हम इस समय उस तत्व की स्प्रे के माध्यम से या जड़ों के माध्यम से पूर्ति कर सकते हैं। यदि आप और आगे तक नमूना लेते हैं, लेट नमूना लेते हैं, तो आपको जानकारी तो प्राप्त होती है परंतु हो सकता है कि आप उस पोषक तत्व जो जिसकी कमी है उसको पौधे को उपलब्ध कराने में सक्षम ना हो। तो आइए देखें कि किस तरह से नमूना लेते हैं। जैसे ये करंट ईयर ग्रोथ है, इस करंट ईयर ग्रोथ से ही हम नमूना लेते हैं। ना आप पीछे वाले पत्ते लेंगे ना ही आगे वाले, हम इस टहनी के बीच के दो पत्ते लेंगे। तो जैसे ये मैंने इस टहनी के दो पत्ते ले लिए। आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत रहती है जब भी लीफ एनालिसिस का नमूना लेना है। तो एक हमारे पास पेपर बैग होना चाहिए जी, जो एनवलप है वो पेपर का होना चाहिए, आप किसी भी प्लास्टिक की थैली को यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक अच्छा मार्कर होना चाहिए जिससे आप इसको एड्रेस लिख सकते हैं। और तीसरा हमारे पास एक कार्टन होना चाहिए जिस कार्टन को हम बाद में नमूने को भेजने के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये कार्टन इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपका जो नमूना है वो रास्ते में या भेजते समय खराब ना हो। अब देखिए किसान साथियों, जैसे मैंने आपको कहा था इसी तरह से आप भिन्न भिन्न पौधों के वो जो करंट ईयर टहनी है उसमें से आप इस तरह से दो दो पत्ते लेते जाएंगे और वो फिर आप इस लिफाफे में एकत्रित करते रहेंगे। यदि आपके पत्ते गीले हों तो कृपया पहले उसको आप सुखा सकते हैं, तो इसी तरह से अखबार पर सुखा सकते हैं। और इसी तरह से हम लोगों को एक बगीचे से कम 50 से 100 पत्ते लेने होते हैं। तो हम रैंडमली जैसे आप जाते जाएंगे तो स्वस्थ पौधों से आप नमूना ले सकते हैं। तो मैं जैसे अब इस टहनी से लेना चाहूँगा, ये करंट ईयर ग्रोथ है, तो मैंने इसके दो बीज के पत्ते ले लिए हैं। और आप इसी तरह से एक पौधे से दो से तीन जगह पर, जैसे मैंने यहाँ पर और ये करंट ईयर ग्रोथ है ये इसमें से, और साथ में मैंने इस करंट ईयर ग्रोथ से इस तरफ से। वैसे नमूना सामान्यतः चारों तरफ से लेना चाहिए। आप भी बीच से दो पत्ते मुझे दे दीजिए जी। तो इस तरह से आप पूरे बगीचे में घूमें और कम से कम आप 50 से 100 पत्ते, एक पेड़ से आप 4 से 5 से 6 पत्ते ले सकते हैं और मिलके सबको इकट्ठा करके हर पौधे से लगभग 5 पत्ते लेके, तो 10 से 20 पौधों के आप नमूना एकत्रित करके लगभग 50 से 100 पत्ते ले सकते हैं। और इन पत्तों को एक एनवलप में इकट्ठा करके इस तरह से एकत्रित करके फिर आप एग्री क्लिनिक या किसी भी जांच प्रयोगशाला भेज सकते हैं। उसको आपको प्रॉपरली मार्क करना होता है, उसमें आपको बगीचे का नाम, उसकी आयु, समय और आपके जो फ्रूट की स्टेज है वो क्या है, और अगर आप टेंटेटिव टाइम ऑफ हार्वेस्ट की आपने वो जो फल है वो कब तोड़ना है, और अगर आप खादों की भी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपने किन किन खादों को मिट्टी में डाला है, तो उससे भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो सकती है। मुझे पूरा विश्वास है किसान साथियों कि आपको ये लीफ एनालिसिस का वीडियो, नमूना लेना और इसकी महत्वता क्या है, आपको अच्छा लगा होगा। आप जो भी आपके सुझाव हों वो हमारे एग्री क्लिनिक के टोल फ्री नंबर पर या ऑफिशियल नंबर पर भेज सकते हैं। बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।